न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। छठ महापर्व पर संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा के नदी तालाबों के घाटों में जाकर क्षेत्रवासियों को दी बधाई। भगवान सूर्य के आस्था पर्व छठ पूजा में उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संतान के सुखी व निरोगी रहने की कामना होती है पूरी। छठ महापर्व के उपलक्ष्य में संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विकास उपाध्याय जी रायपुर पश्चिम के टेंगना तालाब, हीरापुर, छुइया तालाब, टांटी बंद, खमतराई तालाब, मच्छी तालाब, गुड़ियारी, महादेव घाट, रायपुरा, आमा तालाब, समता कॉलोनी सहित अन्य घाटों में पहुंचकर जनता के साथ छठ पूजा के कार्यक्रम में हुए उपस्थित। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर किया आभार प्रकट। संतान की दीर्घ आयु रहने के लिए रखे जाने वाले व्रत पर व छठ पूजा पर आज अपने विधानसभा के प्रमुख नदी तालाबों के घाटों में पहुंचकर आम जनता को छठ महापर्व की बधाई दिया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उपवास पूर्ण करने वाली महिलाओं के ऊपर छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ आज टेंगना तालाब, हीरापुर, छुइया तालाब, टाटी बंद, खमतराई तालाब, मच्छी तालाब, गुड़ियारी, महादेव घाट, रायपुरा, आमा तालाब, समता कॉलोनी सहित अन्य घाटों में पहुंचकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया और घाट में उपस्थित जनता को बधाई दी। आज छठ महापर्व के अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न नदी तालाबों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक महोदय अपने विधानसभा के छुइया तालाब, टाटी बंटेंगना तालाब, हीरापुर, मच्छी तालाब, गुड़ियारी तालाब, महादेव घाट, रायपुरा, आमा तालाब, समता कॉलोनी सहित अन्य घाटों में पहुंचकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने बताया कि भगवान सूर्य की उपासना पर्व छठ पूजा में महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए लगभग 2-3 दिन का निर्जला कठिन व्रत धारण करती है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करती है। छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आभार प्रकट करते हुए इसे जनभावना का सम्मान बताया है। साथ ही यह भी बताया कि छठ पूजा को लेकर शासन प्रशासन द्वारा नदी तालाबों के घाटों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी, जिसका उन्होंने स्वयं लगातार निरीक्षण कर पूर्ण करवाया। कोरोना महामारी के चलते विधायक महोदय लगातार आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील करते रहे, जिसके चलते अधिकतर घाटों पर लोग मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे और सतर्कता के साथ छठ महापर्व को मनाते नजर आए। नवागढ़ राजा भट्ट, जंगी चप, छत्तीसगढ़ से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट।